नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली टॉकीज। तो मैं गीतिका आज आपको बताने वाली हूँ कि पढ़ने में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें आप क्या खिलाएं कि उनका दिमाग तेज हो और वो कंसंट्रेशन से पढ़ पाएं। जिस तरह हर इंसान की शक्ल अलग अलग है, ठीक उसी तरह हर व्यक्ति का मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है। पेरेंट्स को कभी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान में दिमाग एक समान होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चे किसी चीज़ पर थोड़ी जल्दी प्रक्रिया दे देते हैं जबकि कुछ बच्चे थोड़ी देर में करते हैं। अगर आपके बच्चों को भी पढ़ने के बाद चीज़ें सारी वक्त पर याद नहीं आती हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए सुपर फूड्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें दें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को खिलाएं कि उनका दिमाग तेज हो। रोज़ सुबह खाली पेट सेब खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को चार्ज करने के साथ ही सोचने समझने की शक्ति को तेज करती है। खाली पेट सुबह सेब खाने से चेहरे पर भी ग्लो आता है और पेट की सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। और दिमाग तो तेज होता ही है, तो आप अपने बच्चों को सुबह खाली पेट एक सेब ज़रूर खिलाएँ। ब्राह्मी स्मरण शक्ति बढ़ाने की मशहूर जड़ी बूटी है। तो सुना दोस्तों आपने, ब्राह्मी रोज़ इसका एक चम्मच रस याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। ये आपको किसी भी आयुर्वेद की शॉप पर मिल जाएगी। सोयाबीन के आटे का ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विटामिन बी होता है जो कि याददाश्त बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सोयाबीन की बड़ियाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन की बड़ी की आप सब्जी बनाइए, वो खिलाइए बच्चों को, और सोयाबीन का आटा तो ज़रूर यूज़ कीजिए। विटामिन ई के सेवन से मेमोरी लॉस की शिकायत से बचा जा सकता है। बादाम अखरोट में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन रोज़ाना करना चाहिए। आप अपने बच्चों को बादाम और अखरोट डेली खिलाएं। 5 बादाम रात को पानी में भिगो दें। सुबह छिलके उतारकर बारीक पीसकर पेस्ट बना लें और अब 1 गिलास गर्म दूध में बादाम का पेस्ट घोलकर इसमें 3 चम्मच शहद भी डालें। दूध जब हल्का गर्म हो जाए तब पिएं। यह मिश्रण पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। और दोस्तों, हरी सब्जियों के अंदर पालक जो है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। पालक में मैग्नीशियम और पोटाशियम भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ सीखने की क्षमता बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा पालक में विटामिन B6 और विटामिन ई और फॉलेट भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो आप पालक की सब्जी किसी भी तरह से, पालक के परांठे खिलाइए, पालक की सब्जी बनाइए, पालक पनीर की सब्जी बनाइए, आप किसी भी तरह पालक को अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। गाजर और पत्ता गोभी के 10-12 पत्ते काट लें। इस पर हरा धनिया काट कर डाल दें। फिर उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर, नींबू का रस मिलाकर खूब चबा चबा कर खाया करें। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, आप अपने बच्चों को इन चीज़ों को खिलाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और उनका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा और वो पढ़ने में इंटेलिजेंट बनेंगे।